सौरव गांगुली अब नहीं रहेंगे बीसीसीआई के बॉस। इतना ही नहीं, जय शाह भी अब नहीं रहेंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों ही अपने पद पर काबिज नहीं रह पाएंगे। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि सौरव गांगुली और सचिव जय शाह, इन दोनों का ही कार्यकाल इस साल अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों अक्टूबर के बाद अपने पदों पर नहीं रह पाएंगे। सौरव गांगुली की बात करें तो उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत में डे नाइट टेस्ट मैच करवाना। इसके अलावा विराट कोहली से अनबन और जय शाह से अच्छी जुगलबंदी सौरव गांगुली के कार्यकाल की अहम झलकियां रही। इसके अलावा राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज को बतौर टीम इंडिया का हेड कोच और इसके साथ ही साथ वीवीएस लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी एनसीए का अध्यक्ष बनाना भी सौरव गांगुली के कार्यकाल की अहम उपलब्धियां रही। लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट को मैदान पर जीत दिलाने वाले ये दोनों दिग्गजों का निश्चित तौर पर टीम इंडिया के साथ जुड़ना युवा खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब बात कर लेते हैं बीसीसीआई के संविधान की। बीसीसीआई के नए संविधान के मुताबिक स्टेट एसोसिएशन या बोर्ड में 6 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना अनिवार्य है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति या तो स्टेट एसोसिएशन या फिर बीसीसीआई में 6 साल तक किसी भी पद पर काबिज रहता है तो उन 6 साल के पूरा होने के बाद उसको 3 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होगा। गांगुली और जय शाह ने अक्टूबर 2019 में अपना अपना पदभार संभाला था। तब उनके स्टेट और नेशनल यूनिट में 6 साल का कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 9 महीने बचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि पिछले साल हुई बीसीसीआई की एजीएम में 9 अगस्त 2018 से लागू कूलिंग ऑफ पीरियड में जाने के नियम में संशोधन कर अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्टूबर के बाद बीसीसीआई के बॉस सौरव गांगुली अपने पद पर बने रहते हैं या फिर उन्हें बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।